हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में, जैसा कि अभी हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी होती है नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो अब वन बाय वन करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए पता करेंगे। तो अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू विच ब्रिंग्स यूरिन आउटसाइड द बॉडी वाया पेनिस। तो ऐसे कौन सी ट्यूब होती है जो कि ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है और वो यूरिन को पास करने के लिए हेल्प करती है? तो वो है हमारा यूरेथ्रा मेटिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा एफ्रेंशिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश एंड ओपन्स इनटू डैश। सो जैसे कि उस डायग्राम में दिखाया गया था, तो जो वैसा एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस में से इवॉल्व करती है। तो टेस्टिस में भी रेटे टेस्टिस होता है, रेटे टेस्टिस से वैसा एफ्रेंशिया निकलती है और वो फिर एपिडिडिमिस में जाके क्लोज होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Now we go for the next question. The enlarged end of the penis is covered by a loose folded skin is called. So जो enlarged end of the penis होता है उसे क्या कहते हैं? Glans penis कहते हैं। तो जो glans penis होता है वो loosely folded skin से cover होता है। जो skin होती है उसे foreskin बोलते हैं। तो correct option is A, foreskin. Next question. Which of the following is a finger-like structure and lies at the upper junction of the लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा गया था कि फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर था लेबिया माइनोरा के जंक्शन में और यूरेथ्रल ओपनिंग से ऊपर होता है, तो इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। और करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म होते हैं वो किससे बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते हैं? इमैच्योर मेल जर्म सेल्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशियस सेल होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, और जो सर्टोली सेल होते हैं वो फीडिंग का काम करते हैं जो कि मैच्योर इमैच्योर स्पर्म होते हैं उनके लिए, और जो प्राइमरी फोलिकल है ये फीमेल में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश लीड्स टू द वैसा डिफरेंस एंड दैट एस इनटू डैश एंड लूप्स ओवर द डैश। ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें बताना है। तो क्या है जो लीड करता है वैसा डिफरेंस को? तो वैसा डिफरेंस जो हमने देखा था, तो वो एपिडिडिमिस के बाद जो ट्यूब निकलती है उसे हम कहते हैं वैसा डिफरेंस। तो एपिडिडिमिस लीड्स टू द वैसा डिफरेंस दैट एस इनटू द एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन कैविटी के ऊपर से जाती है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D. Next question. In humans, male germ cells differentiates into dash at the end of the first meiotic division. तो मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है जो कि फर्स्ट जब कंप्लीट रिडक्शन डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन, तो उसके बाद हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करता है जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था? हमें मेल जर्म डिफ्रेंशिएट इनटू इट। तो मेल जर्म्स में तो प्राइमरी होते हैं, तो वो होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है प्यूबर्टी पे के टाइम पे स्टार्ट होती है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH है, जो कि उसके बाद गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट्स। तो कौन सा हार्मोन है जो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है? हार्मोन है, उन्हें हम कहते हैं एंड्रोजन। सो ऑप्शन बी इज द एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेन इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा। तो ये हमने उस वीडियो में भी देखा था, जो सीमेन होता है सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का जो मिक्सचर होता है। सेमिनल प्लाज्मा किससे बनता है? सेमिनल प्लाज्मा जो कि हमें ग्लैंड्स होती है उससे जो सिक्रेशन रिलीज होता है उसे कंस्टिट्यूटली सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और वो स्पर्म के साथ मिक्सअप होकर सीमेन का फॉर्म करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय अ प्रोसेस। तो स्पर्मेटिड स्पर्म में जो लास्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो होता है इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म का बनना। लेकिन स्पर्मेटिड्स से स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, By which process sperms released from the seminiferous tubules? तो जो प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलता है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, menstruation is triggered by a sudden decline in the amount of the hormone secreted by the corpus luteum. Identify the hormone. तो जो corpus luteum होता है वो क्या करता है? वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को secrete करता है, जिसका रोल होता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस का। तो जो सडन डिक्लाइन होता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन ट्रिगर्ड होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन नहीं हो पाती, तो है वो है प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द oogenesis फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेलिसुडा सराउंडिंग इट। तो oogenesis में होता है, हमने देखा था जैसे प्राइमरी फोलिक्यूल जो बनते हैं और उसके ऊपर जो लेयर होती है, तो ज़ोना पेलिसुडा जो लेयर होती है वो सेकेंडरी oocyte होता है, उसके ऊपर बनती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। Which of the following contains a fluid filled cavity called antennum? जैसा कि इस वीडियो में भी एक फिगर दिखा के उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, एंट्रम होती है, वो होता है टर्शियर फोलिकल ऑफ ओवरी की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी। तो कौन सा इनमें से प्रेगनेंसी का है? तो लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। Yes, because when we are studying the human reproduction chapter, so it is mentioned that if a woman is not experiencing the menstruation cycle after 20 or 29 days, she misses. So there may be other factors also, the stress and malnutrition. But if the situation is normal and the menstruation is not occur, then it is the indication of the pregnancy. So option A is the correct one. Next question, when semen is released by the penis into the vagina during a copulation, then it is called. So this is the process which is known as the insemination. So this is the definition of the insemination, release of the semen by the penis into the female vagina during the copulation. Next question, at the time of the implantation the human embryo is called. सो द ह्यूमन एम्ब्रियो, अब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के वक्त जो जाइगोट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का, उसमें जाके इम्प्लांट करता है, जिसके बाद वो और आगे डेवलप करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fusion of the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum lead to the formation of. अब जब हैप्लॉइड होगा, न्यूक्लियस है और हैप्लॉइड ही ओवम है, तो वो मिलके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड। सो हमने देखा था उस वीडियो में कि 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोरूला। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो विच लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर होती है, एक होती है ट्रोफोब्लास्ट और एक होती है इनर सेल मास। तो जो इनर सेल मास होती है फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो अटैच करते हैं एंडोमेट्रियम में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा एक्ट एज एन तो प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा के जो फंक्शंस थे उसमें बताया गया था जो उसमें है वो काफ़ी सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, लाइक ह्यूमन कोर आयनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करते हैं प्लेसेंटा से और वो एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन टिश्यू। सो द ऑप्शन B इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी जर्म लेयर्स। सो द प्राइमरी जर्म लेयर्स जो हमने देखा था कि जो 3 जर्म लेयर होती है जिससे कि सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं वो होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और द मेसोडर्म। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन यूट्रेन मसल एंड कोज इट्स स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हार्मोन था जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, बिकॉज जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतनी ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज द लैक्टेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉम्ब ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू। तो वेजाइना के जो एक्सटर्नल की तरफ हम जाएंगे तो वेजाइना के बाहर जो डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल होती है यानी कि सर्विक्स होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी यूसाइट। तो यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी यूसाइट का, जिसमें प्रोसेस इंड्यूस करता है कंप्लीशन को। तो जैसे कि हमने उस वीडियो में भी देखा था, तो जो सेकेंडरी ऊसाइट होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो कंप्लीट करती है मेयोटिक डिवीजन को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ हाउ मैनी वीक्स मेजर organ system are formed during the embryonic development। तो embryonic development stage का हमने वीडियो में देखा था, तो वहाँ पे बताया गया था कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 12 वीक्स के बाद हमारे मेजर organ system है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर्ड स्ट्रक्चर इन मेल। मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें कौन कौन से पेयर्ड थे, यहाँ पे हमें बताना है कि पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एपिडिडिमिस है वो भी हर एक टेस्टिस पे होता है और जो टेस्टिस होता है वो पेयर में होता है, तो एपिडिडिमिस भी पेयर में है। यूरेटर, यूरिन लाने वाली जो होती है जो किडनी से निकलती है, तो ये भी पेयर में होती है, हर एक किडनी से होती है। स्क्रोटम भी जो होता है बाहर होता है, सिर्फ पेनिस जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो पेयर में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, Which of the following induces the fetal ejection reflex? Fetal ejection reflex is the when the जब fetus बाहर निकलना लग जाता है तो वो किसके द्वारा इंड्यूस होता है। तो जो सिग्नल होता है पार्टुरेशन का वो कहाँ से आता है, फुली डेवलप्ड फीटस से। और द प्लेसेंटा होती है वो इंड्यूस करती है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो सही करेक्ट आंसर है वो है फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। सबसे पहले जो डेवलप जब हो जाता है फीटस वो करता है, उसके बाद जो यूट्राइन है वो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करती है जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिप्लेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले हमारी सीरीज़ की जो पहले वीडियोस हमने डाली है आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उस वीडियो में सारे पार्ट्स अच्छे से कवर किए गए हैं। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप वहाँ पर जाकर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहाँ पे अपडेट आपको मिल सकता है। आप उस साइट पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रूटीन बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।